लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कल्पना, 9 बजे की कॉल शीट थी, 10:30 बजे तुम आ रही हो, पूरा ग्रुप तुम्हारा आ चुका है। सर वो आज इतना ट्रैफिक था कि ट्रैफिक का बहाना मत बनाना तुम। जाओ जल्दी से कपड़े बदल के आओ। ओके सर। बहुत लेट हो गई ना। क्या जिंदगी है, खड़े रहो रोज साला क्राउड में, और ये बनी रहे हेमा मालिनी। Can I go for lights? Roll करे? हाँ। Lights. Roll camera. Rolling. Action. रगड़ रगड़ के साफ करो, मेरे हाथों को माफ करो, पीलापन जाता ही नहीं। Camera pan. Action madam. इसीलिए तो कहती हूँ ले आओ kite, सब कुछ मिलेगा white, सिर्फ 1 रुपए में सफेदी, चक चक चका चक। सर इस रोड पर ये 8वीं होर्डिंग है इवनिंग ट्रैफिक के लिए। ये सारी 6 के 6 अवेलेबल है? सर 3 अवेलेबल है। नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट यहाँ है सर, ये बिल्डिंग है। अगर होर्डिंग इस टेरेस पे लगे पूरे फ्लाईओवर से इसका व्यू मिलेगा। लुक्स ओके टू मी। कौन रहता है यहाँ? एक लड़की है कल्पना, उससे बात कर सकते हैं। करो। अरे भाई अभी क्या हुआ? कभी ये क्या हो रहा है यार? कभी बैटरी कब? एक्सक्यूज मी, क्या हम कल्पना मैडम से मिल सकते हैं? कल्पना मैडम नहीं है कोई, कल्पना है। वैसे आप लोग कौन है? हम एयर वॉइस मोबाइल कंपनी की तरफ से हैं और मैं कंपनी के MD मिस्टर संजय सिंघानिया का प्राइवेट असिस्टेंट हूँ। एयर वॉइस कंपनी? मैं सतवीर कोली, मैं इस एड फिल्म कंपनी का मालिक हूँ। अरे कई एड्स बनाए हैं हम लोगों ने, साबुन तेल टूथब्रश हाजमोला, अभी लेटेस्ट बंदर छाप दंत मंजन का एड भी हम ही ने बनाया है। आपको क्या एड बनाना है? देखिए हमें कल्पना मैडम से मिलना है, कंपनी के MD मिस्टर संजय सिंघानिया ने खुद हमें यहाँ भेजा है। कल्पना मेकअप रूम में जाइए, मिल लीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम श्रॉफ, आई एम फ्रॉम एयर वॉइस मोबाइल कंपनी। काम कर, दरवाजा खोल कर अंदर जा, चाय देकर वापस आ जा। यस सर। सॉरी सॉरी, डोंट ट्राई टू कन्विंस मी। आपके MD का दिल आ गया तो मैं क्या करूं? आखिर मुझे भी मंजूर होना चाहिए ना। लव मैटर, लव मैटर। प्लीज मैम, हम अपने MD की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सोचिए तो सही। इसमें सोचने की क्या बात है, मेरा फैसला सुन लिया ना आप लोगों ने, अब जाइए प्लीज। अरे मैडम प्लीज, अपने MD को जाके बोल देना कि कल्पना को मंजूर नहीं है। फिर भी मैम अगर आप अपना फैसला बदल दें तो ये हमारी कंपनी का कार्ड है, फोन कर दीजिएगा। ओके। ओह सॉरी सर, मैं अभी तैयार होकर आई। मैडम एक मिनट। मैडम कल्पना जी। जी मैं आपके पर्सनल मामले में दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अंदर जो भी बातें हुई ना वो हम सब ने सुन ली। स्पॉट, मैडम के लिए कुर्सी रखो। अजी हम बताते हैं आपको क्या हुआ होगा। एयर वॉइस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर संजय सिंघानिया ने आपको कहीं पे देखा, देखते ही पहली नजर में वो अपना दिल खो बैठे। बात यहीं पे आके अटकी है, वो आपके हाँ का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को आपके पास में भेजा। आप हैं जो उन्हें ना करते जा रही हैं। Am I correct, madam? Correct? हाँ हाँ, correct correct।
अब मैं यही पूछ रहा हूँ, इतना अच्छा रिश्ता आप क्यों ठुकरा रही हैं? सर, आज आएगा इस कंपनी का मालिक आया है, कल को मिल गया जाएगा, तो क्या हम उसी में हाँ कर देंगे? आखिर हमारी भी तो पसंद होनी चाहिए ना। अरे जरा सोचो, इतना अच्छा मौका मिला, आपकी एक हाँ से हमारी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अरे कितने अच्छे कर्म किए होंगे तुमने, बस अब भगवान का नाम लो और हाँ कर दो। मैं फोन करता हूँ। नहीं सब वो बजी बजी बात करो। एडवाइस, गुड आफ्टरनून, मे आई हेल्प यू प्लीज? हेलो, मैं कल्पना बोल रही हूँ। कल्पना? कौन कल्पना? वो टेरेस होल्डिंग वाली कल्पना? देखो, हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। एक तो वो घर तुम्हारा नहीं है, ऊपर से तुमने 2 महीने का किराया नहीं दिया है, और हम पर रॉब जमा रही हो। चलो फोन रखो। पूरा ऑफिस हिल गया है। देखो सुनो, आपने एमडी को जाके बोल दो कि कल्पना ने हाँ कर दी है। सोना नहीं तो क्या, चमकता तो है नत्तुमल गेंडामल ज्वेलर्स, 42 लिंक रोड, मलाड वेस्ट। हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है। ईमानदारी की असली मिसाल क्या होती है? पहली होती है माँ, दूसरी और आखिरी होती है हमारा और सबका हमाम साबुन। अरे सब, आप ही लेकर क्यों आते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना बेटी। कल्पना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। आज एक एड फिल्म कोऑर्डिनेटर आ रहा है, बड़ी बड़ी एजेंसी को जानता है। अगर वो ये समझ ले कि हमारी लीड मॉडल का चक्कर संजय सिंघानिया के साथ में चल रहा है तो हमारी बात मदद हो जाएगी ना। कब तक ये छोटी मोटी फिल्में बनाते रहेंगे हम लोग? हमारी कंपनी को नेशनल क्लाइंट्स की जरूरत है। अरे सर, आपने कहा और हो गया। कल्पना जादू की छड़ी है, यूं घूमती है और सरकारें बदल जाती है। भाई साहब, मैं मायापुरी मैगजीन से आया हूँ, स्ट्रगलिंग मॉडल्स पर आर्टिकल लिख रहा हूँ। आपके किसी मॉडल का इंटरव्यू मिल सकता है क्या? उधर मेकअप रूम। एक्सक्यूज मी, आइए आइए बैठिए। थैंक यू। डायरेक्टर साहब ने बताया था कि आप आएंगे। अच्छा, अरे ये लोग इतना टाइम लगाते हैं सेटअप करने में। अब मुझे निकलना है एयरपोर्ट के लिए, संजय की फ्लाइट है ना। कौन संजय? संजय सिंह हानिया, एयर वॉइस कंपनी का मालिक, वो मेरा लवर। संजय सिंह हानिया आपका लवर? हाँ, और नहीं तो क्या। एक्चुअली पहली बार हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे, उस वक्त मैं जानती नहीं थी कि वो संजय सिंह हानिया है। पूरे वक्त एयरपोर्ट की लॉबी में मुझे घूर रहा था, बाद में फ्लाइट में भी मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। हाय, आई एम संजय सिंघानिया। मैंने भी बोला हाय, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये संजय सिंघानिया है। एक मिनट, क्या मैं सब लिख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, दिल्ली से बॉम्बे पूरे रास्ते वो मुझसे बात करता रहा, कचर कचर पचर पचर, और मैं भी सुनती रही। फिर एकदम से बोला आई लव यू, मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा पागल हो गयो क्या, शादी ब्याह की बातें हवा में थोड़ी तय की जाती है। फिर बॉम्बे पहुंचते उसके फोन पे फोन, एसएमएस पे एसएमएस, मैंने ज्यादा लिफ्ट नहीं दी। आखिर मुझे भी तरस आ गया बेचारे पे, सोचा चलो ठीक है हाँ कर देती हूँ। इस हफ्ते की ताजा खबर पढ़िए मायापुरी में, जाने माने बिजनेस टाइकून संजय सिंघानिया का अपकमिंग मॉडल के साथ चक्कर। सुनिए ये कहानी खुद कल्पना की जुबानी। खरीदिए इस हफ्ते की मायापुरी और पाइए मसालेदार खबरों के साथ 2 पैकेट MDH मसाला फ्री।
देखिए, मैं उसे जानता तक नहीं, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी अननेसेसरी। हेलो, देखिए ये सब झूठ है। अरे मुझे कैसे मालूम इसे सब क्यों का? आप प्लीज मुझसे बाद में बात करिए। नो मोर कॉल्स प्लीज। उसकी फोटो छपी है? नहीं सर, इसमें ना उसकी फोटो छपी है ना आपकी। मैं उसे मिलना चाहता हूँ। फाइंड आउट। अंदर जाना मुश्किल हो रहा है, वापस चले। वेट वेट, हम कोशिश करेंगे कि हम लोग अंदर कैसे जा सकते हैं, ठीक है? क्या हुआ सिस्टर? ये बच्चे लोग म्यूजियम देखने आए हैं और अंदर नहीं जा सकते हैं, मैं क्या करूं? एक सेकंड। अब संभल के इस पे पैर रखिए। हाँ, Mm-hmm.